जामिल पैकेज में तीन टाइप का मोटर यूज़ करता है। मैं पी वाई की बात कर रहा हूँ, पी वाई, पी एम वाई, पी एन वाई, पी एस, और भी मॉडल में तीन या चार टाइप का मोटर यूज़ करता है, लेकिन तीन मेन है इसका, 99% 1% कुछ और कुछ करता है। तो ये मोटर को देख लें, 800 5 5 5 6 8, ये अगर मोटर है तो ये मोटर को दो वोल्टेज में चला सकते हैं, 380 और 220 है, 380 3 फेज 220 3 फेज, दोनों में ये मैच करता है, दोनों मोटर में ये मैच करता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर जब 380 का होगा, क्लियरली मेंशन किया, यानी कि देखो नहीं, तीन पे है, 380 में भी चलेगा, 460 में भी चलेगा, और 208 से लेकर जुड़ी, यानी 230 में, तीन वोल्टेज में ये चलेगा मोटर, ये मोटर, ठीक है, 380 460 और 230, तीन वोल्टेज में ये मोटर चलेगा। लेकिन 360 और 460 में अगर इसको, अगर इसका साइट यानी यूनिट का मेन पावर सप्लाई 380 है, अगर यूनिट का मेन पावर सप्लाई 380 है, तब उसमें जो आपका जो कनेक्शन होगा मोटर का, वो होगा स्टार। लेकिन अगर साइट वोल्टेज और मेन पावर सप्लाई यूनिट का 230 है, तब उसका होगा डेल्टा। ये डेल्टा का पहचान है, ये स्टार का, ओके। ये यानी कि साइट वोल्टेज यानी मेन पावर सप्लाई अगर यूनिट में 380 और 460 है तो स्टार कनेक्शन, और अगर ये हुआ तो आपका, और अगर 230 थ्री फेज है तो आपका 230 अगर है तो डेल्टा कनेक्शन है। तो टोटल इस यूनिट में जो काम का जो वायर है, टोटल लाइन है, लेकिन जो काम हमें चाहिए एक जो है वो एर्थ के लिए है, इसके लिए हम इसको सेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं वो काम का नहीं था, तो उसके लिए मैं पहले क्लियर करूँ। तो मेन जो हमको आठ वायर हमारा मेन है, जो हमें इस्तेमाल एसी से निकल रहा है, टोटल आठ वायर, ओके। तो तीन, ये तो तीन है ना, 4 5 6 7 8, एट को मिला के 9, तो टोटल देखो तीन ये है, 4 5 6 7 8, आठ वायर निकल रहा है, ठीक है। तो अब मान लो हमारा जो सेट वोल्टेज है, मान लो, और अक्सर जो अभी जो एसी आ रहा है वो 380 का है, इसमें हम फोकस पहले इस पर करेंगे। अभी जो एसी जो साइट वोल्टेज सब साइट पे, नए एसी की बात कर रहे हैं, जो अभी अक्सर जो साइट में जो वोल्टेज अवेलेबल है वो 380 है, ठीक है। लेकिन ये मोटर को मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वायरिंग में चेंजिंग करना होगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग 380 की बात कर रहे हैं। अगर 380 है तो उसमें सब कलर जो है, आठ वायर सब डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ईजी है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, ईजी। तो सबसे पहले आपको ये ब्लू वाला जो वायर है वो क्या लिखा हुआ, ब्लू वाला वायर को, अगर 380 साइड वोल्टेज है, 380 या 460, तो जो ब्लू वाला वायर को चाहिए लाइन वन, यानी कॉन्ट्रेक्टर का जो आउटपुट है वहाँ लगेगा लाइन वन ब्लू कलर का, ओके, इसको जाएगा फेस, फेस यानी पहला रेड वाला, रेड येलो ब्लू जो होता है फेस, ओके, तो लाइन वन। बाद में वो बोल रहा है वाइट L2, वाइट को लाओ, वाइट को आप लगा दिए L2 पे, ठीक है, ओके। बाद में आपको क्या बोलता है वो, ऑरेंज, ओके, ये हो गया आपका ऑरेंज, लाइन वन लाइन टू लाइन, ये तीन आपका काम हो गया। कॉन्टेक्टर का आउटपुट में जो थ्री फेस है, तो आपका ये रेड येलो ब्लू यानी कि लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री में लग गया तीनों, आपका तीन वायर लग गया। बचा अभी आपका कितना बचा, पांच वायर बचा, पांच वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर क्लियरली दिखता होगा तो मुझे दिखे, तो बहुत स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, कनेक्शन ब्राउन ब्लैक एंड वेलवेट, ये तीनों को एक साथ कनेक्ट करना है, देखो ये तीनों एक साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट है ब्लैक ब्राउन एंड वेलवेट, ये तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिए 380 460 के लिए, तो ये आपका हो गया 6 वायर, एकदम सिंपल है। अगर बाई चांस भूल भी गए या इस मोटर का नेम प्लेट को पढ़ो इजीली, ओके, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं चाहिए, ओके, ये भी बीच हो गया। बाद में बचा ये वायर कॉम्प्रेसर कॉन्टेक्टर में लगेगा, यानी कॉम्प्रेसर कॉन्टेक्टर में एक तरफ न्यूट्रल होगा, जो कॉयल है एक तरफ न्यूट्रल लगा हुआ, दूसरी तरफ ये वायर लग जाएगा, कॉन्टेक्टर में रहेगा ना A1 A2, तो किसी भी A1 में या A2 में अगर न्यूट्रल लगा हुआ तो दूसरी तरफ अपोजिट तरफ में एक वायर लगा दो, और दूसरा वाला ये कहाँ लग जाएगा, PCB में लग जाएगा, PCB में जहाँ लिखा रहता है आउट फैन करके, बस सिंपल वायरिंग। और ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, इसमें कंटिन्यूटी बताता है, इफ़ इन केस कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरलोड है, इंटरनल जो ओवरलोड है वो कंटिन्यूटी नहीं देगा, किसी वजह से बैरिंग जाम हो गया, किसी वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो गया, वो ख़राब हो गया, तो कंटिन्यूटी नहीं देगा, तो ये स्टॉप हो जाए, इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, बस सिंपल है।
ये हो गया किसकी बात, 380 की बात। अब हम लोग स्टार कनेक्शन, अब 380 460 की बात हो गई, अब हम लोग किस में जाएंगे, 230 डेल्टा पे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा पे क्या करना है, डेल्टा पे क्या करना है, डेल्टा भाई के पास हम, अब हम लोग डेल्टा पे जा रहे हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज नहीं होना, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलना, ठीक है। हाँ कॉमेंट्स करो, कोई मुश्किल नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और ये करें, ओके। तो अभी हम लोग 230 पे जाएंगे। 230 में क्या लिखा हो, साफ क्लियरली मेंशन किया उसने, टोटल कितना वैट था, 8 वैट था। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 6, और 2 आपको एक पीसीबी से वोल्टेज आते हुए कॉन्टेक्टर में गया तो 8 हो गया। अब यहाँ पर ब्राउन वाइट एक साथ बोल रहे, यानी लाइन वन में ब्राउन और वाइट चाहिए, लाइन वन में, ठीक है। तो ब्राउन और वाइट है, ये दोनों को अगर 230 साइड का वोल्टेज यूनिट का मेन पावर सप्लाई अगर 230 है तो ब्राउन और वाइट ये आपका जाएगा लाइन वन में। चलो ये चला गया। बाद में क्या है, बाद में वो कहता है ब्लैक और ऑरेंज, ब्लैक और ऑरेंज भाई को डाल। चलो ये ब्लैक और ऑरेंज, ये क्या बोल रहे हो, एल टू, एल टू हो गया, ठीक है ना, ये एल टू हो गया, ब्लैक ऑरेंज लिखा है, ब्लैक ऑरेंज एल टू। चलो ये भी हो गया, बाद में बचा वेलवेट ऑफ ब्राउन ब्लू, सॉरी ब्लू, ओके। ये आपका तीन हो गया, एल थ्री इसका, ये इसका ना, ये डेल्टा का स्टार का डेल्टा का पढ़ो, खत्म हो गया, 6 वायर लग गया। बाद में फिर ये सेम बचा, ये सेम वही है, कॉन्टेक्टर का कोयल में जाएगा एक तरफ और दूसरा पीसीबी में जाएगा, बस छोटा सा कनेक्शन, एकदम इजी सिंपल है, ओके।